हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस फुल मून आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। इस फुल मून पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपके सिचुएशन से एक्यूरेटली मैच करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट करे, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। आइए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि इस फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अपने स्पिरिट्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को, गार्जियन एंजल्स को ये कहिए कि वो आपको मैसेज दें। ओके, मेडिटेट कीजिए। ओके, सो क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एडजस्टमेंट्स are quite emotions, yes, communication, right? ये मैसेज मुझे पहले भी मिला था और ये दोबारा भी मिल रहा है, इंटरेस्टिंग। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस फुल मून पर आपकी लाइफ में ये बदलाव हो सकता है कि अगर किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन इशू चल रहा था तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, वहाँ पर सिचुएशन बेटर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर किसी के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन इशू था, किसी के साथ आप बात करना चाहते थे लेकिन उस इंसान के साथ समाव आपकी बात नहीं हो रही थी, चाहे हो सकता है ब्लॉक किया हो आप लोगों ने एक दूसरे को, या नाराजगी है, कोई हर्ट है आप, या कोई और रीजन भी हो सकता है, लेकिन हाँ जिससे आप बात करना चाह रहे थे और नहीं हो पा रही थी, उस इंसान से बहुत जल्द आपकी बात हो सकती है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, जैसे आप अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाह रहे थे, वो गोल किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन बहुत समय से कर नहीं पा रहे थे। ओके, यू वर ट्राइंग हार्ड, मेहनत बहुत की हो सकती है, पेशेंस बहुत रखा हो सकता है, लेकिन एट द एंड फिर भी आपको फेवरेबल या मनचाहा रिजल्ट मिल नहीं रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता है व्यूअर्स के इस फुल मून पर आपकी लाइफ में ये चेंज डेफिनेटली आ रहा है, दैट यू आर गोइंग वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, और यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, क्योंकि यहाँ पर मैसेज है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, वो बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं और उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, इसीलिए बस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने ही वाले हैं। जब तक फिनिशिंग लाइन तक पहुंच नहीं जाते, अपने गोल तक पहुंच नहीं जाते, तब तक अपनी स्पीड स्लो नहीं करनी है, तब तक यहाँ वहाँ देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और तब तक गिव अप भी नहीं करना है कि आई एम टायर्ड, अब मैं नहीं भाग सकता। यानी कि बहुत आप करीब हैं अपने गोल को अचीव करने के, इस समय आपको गिव अप नहीं करना है। राइट, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, इस फुल मून आप किसी ऐसे इंसान से बात करेंगे जो हो सकता है कि आपके लिए अंदर से कुछ फील करता है लेकिन बोल नहीं पाता है, या बोलता ही नहीं है, या बोलना चाहता नहीं है। किसी ऐसे इंसान से आपकी बात होगी और दिख रहा है काफी इंटेंस लेवल पर होगी। ये मैसेज मैंने अभी एक दिन पहले की रीडिंग में भी दिया है कि किसी के साथ आपकी बात होने वाली है, बहुत इंटेंस लेवल पर होने वाली है और काफी इमोशनल कॉन्वर्जेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी ऐसे इंसान से आपकी बात हो सकती है, किसी ऐसे इंसान का कॉल मैसेज आपको आ रहा है, या किसी ऐसे इंसान से आप बहुत जल्द मिलने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, इस फुल मून पर भी और इस फुल मून के बाद भी आपकी लाइफ में ये चेंज जरूर नोटिस किया जाएगा कि आप ज्यादा सेंटिमेंटल, ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। ये इस फुल मून का ही असर होगा आपके
आपके इमोशंस पर. ओके, इस फुल मून की वजह से आपके इमोशंस ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा हाई हो जाएंगे, जो कि बुरी बात नहीं है. लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा इमोशनल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल होकर कोई डिसीजन, कोई एक्शन, कोई प्रोमिसेस मत कीजिएगा कि बहुत भावुक होकर कोई बड़ा डिसीजन ले लिया, बहुत इमोशनल होकर किसी से कोई वादा कर दिया. वादा मत कर दीजिएगा इमोशनल होके, या बहुत इमोशनल होकर कोई बड़ा स्टेप लिया है, या कुछ स्टार्ट कर दिया, कुछ बंद कर दिया, यू नो, इमोशनल होकर किसी से कुछ कह दिया गुस्से में, या अपनी कोई मन की बात, कोई सीक्रेट रिवील कर दिया इमोशनल होकर. तो ऐसा मत करना, टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि इस फुल मून पर भी और इस फुल मून के बाद भी सडन और एक्सट्रीम इंटेंस इमोशनल, यू नो, एक इतना इस लेवल पर इमोशनल फील करेंगे आप कि हो सकता है छोटी सी बात से रो दें, या किसी की इतनी याद आए, बहुत याद आए कि बस आप उसको फोन करके सब कुछ कह देना है जो दिल में है, ऐसा मन करें. इन सब चीजों से अपने आप को संभालना. इन सब चीजों से खुद को संभालना है और एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है अपने इमोशनल इंटेलिजेंस में और इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस में. अगर ये बैलेंस आप लूज करते हैं तो जरूर कोई स्टूपिडिटी करेंगे, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो एक मैसेज है जो आपके लिए है, जिसके लिए भी ये रेजोनेट कर रहा है, जिसके लिए भी एप्लीकेबल होता है कि आपको भावुक तो कोई करेगा, भावुक हो भी जाएंगे, और ये फुल मून का ही असर है जो आपके पार्टनर भी इमोशनल हो जाएंगे और इमोशनल होकर आपको कॉल कर लेंगे. मैंने कहा ना, किसी ऐसे इंसान से बात हो सकती है जिससे नहीं हो रही थी पर आप करना चाह रहे थे, तो ये तो इमोशनल होकर आपको कॉल कर सकते हैं. ये भी पॉसिबल है व्यूअर्स कि बहुत कुछ कन्फेस भी करें, बहुत कुछ बोलें भी, तो ठीक है, सुन लीजिएगा अच्छे से. लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, बहुत इमोशनल होकर रिस्पॉन्स मत दीजिएगा, बहुत इमोशनल होकर रिएक्ट भी मत कीजिएगा. आपका गोल आप अचीव करने वाले हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, बस आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है. ऐसा लगता है जैसे आने वाले दिनों में सक्सेस भी आ रही है, यानी कि गोल भी अचीव कर रहे हैं, तो साथ ही साथ उसके पहले डिस्ट्रैक्शंस भी आपकी तरफ आएंगे. ओके, अब वो डिस्ट्रैक्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन का कोई मैं एक फॉर्म नहीं बता सकती, बस कोई भी ऐसी चीज जो आपका आपके गोल से ध्यान भटका रही है, ऐसी चीजों से बच के रहें. अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, क्योंकि इस फुल मून के बाद आपके कम्युनिकेशन, यानी कि आपके कम्युनिकेशन स्किल से, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन से आपको काफी रिकॉग्निशन भी मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकती है. और यही कम्युनिकेशन है जो अगर प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में यूज नहीं किया गया, जिस जगह यूज करना है, जैसे यूज करना है वहां नहीं किया गया, तो यही कम्युनिकेशन आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है. बी केयरफुल, क्योंकि इस फुल मून ऐसा लग रहा है जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो एक एक्सट्रीम लेवल पर, हायर लेवल पर हो रहा है. तो आप इमोशनल भी होंगे तो हायर लेवल पर होंगे, आपके पार्टनर भी इस फुल मून इफेक्ट से बचेंगे नहीं, वो भी इमोशनल होंगे और आपसे बात करेंगे. आप अपने गोल को अचीव करने वाले हैं, सक्सेस मिल रही है, वो भी एक्सट्रीम मिलेगी, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वो भी एक्सट्रीम तरह से हो जाओगे. ओके, तो इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखना है. एक चीज और यहां पर है व्यूअर्स, कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आफ्टर फुल मून या ऑन फुल मून, फुल मून के दिन या फुल मून के बाद, एक ऐसी एनर्जी या कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती है, या ऐसा कुछ महसूस हो सकता है कि आपको लगे कि अभी भी सिचुएशन मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं है, अभी भी वैसा नहीं हो रहा जो मैं चाहती थी या चाहता था, अभी भी मुझे ये नहीं पसंद, अभी भी वैसा नहीं होना चाहिए, अभी भी ये ऐसे क्यों करता है, वैसे क्यों होता है. तो स्टार्टिंग में हो सकता है लाइक फॉर सम डेज आपको कहीं कहीं थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़े, बट ये एडजस्टमेंट अगर आपके बेटरमेंट के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए है, तो कोई बुराई नहीं है करने में. अब सपोज आपको एग्जाम देने जाना है और आप क्या कहें, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए कि जहां पर आपका फायदा है, जहां आपको दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ है, वहां एडजस्टमेंट करने में कोई बुराई भी नहीं है.
तो शुरू में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़े किस चीज किसी चीज में, तो थोड़ा संभाल लीजिएगा। ज्यादा ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं एडजस्ट नहीं करूंगा नहीं करूंगी, सिचुएशन के साथ थोड़ा ढलने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, क्योंकि अगर एट द एंड आपका ही फायदा है, आपका ही इसमें कुछ बेनिफिट है, तो थोड़ा मोल्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्यादा स्टिफ बन के रहेंगे, ज्यादा रिजिड और सख्त बन के रहेंगे, तो वो वाली कहावत है कि जो पेड़ आंधी तूफान में झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो सीधे खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं। तो टूटना नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर रहेंगे तो चलेगा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। यहाँ पर हम देखते हैं व्यूअर्स के आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं ऑन दिस फुल मून। देखिए यहाँ पीछे मून भी दिख रहा है आपको। आई होप यू कैन सी दैट। सी देयर इज अ फुल मून बिहाइंड दिस गर्ल। तो डेफिनेटली आपके जो एंसेस्टर्स हैं कह रहे हैं अनलीश द वाइल्ड विद इन। आपकी जो दूसरी साइड है, एक तो आपकी वल्नरेबल अंडर कॉन्फिडेंट एक ऐसी साइड है जो काफी वीक है, बट नॉट वीक, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फियर है, या फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ सेक्रीफाइस, एक वल्नरेबिलिटी है, वो आपकी एक साइड है, एक सॉफ्ट साइड भी है आपकी, लेकिन आपको एक वाइल्ड साइड आपकी जो है अंदर, जो आपने सप्रेस करके हाइड करके रखी है, या यू नो हटा के रखी है, छुपा के रखी है, उस साइड को आपको हाईलाइट करना है। अनलीश द वाइल्ड विद इन। बहुत सॉफ्ट साइड का आपने यूज कर लिया, बहुत वल्नरेबल भी हो गए, अब आपके अंदर का जो पैशन है, आपके अंदर का जो फायर है, वो आपको जगाना है, वो आपको हाईलाइट करना है, वो आपको अपनी पर्सनालिटी में कैरी करना है। वक्त आ गया है, सही वक्त आ गया है। इस फुल मून के बाद बहुत जरूरत है आपके आपकी पर्सनालिटी में वो फायर, वो पैशन, वो यू नो वो जोश की बहुत जरूरत है, वो एनर्जी की जरूरत है। तो आफ्टर दिस फुल मून पॉसिबल है कि आप काफी एनर्जेटिक भी फील करें, जो भी करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी पैशनेट भी फील करें। तो आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, यानी कि आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको इसी चीज़ की तरफ गाइड कर रहे हैं कि बहुत वीक बन गए, बहुत वल्नरेबल बन गए, बहुत सॉफ्ट भी बन गए, बट अब ज़रूरत है आपके थोड़े यू नो एक दूसरे रूप की। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने अंदर जैसे किसी के पास अलग अलग टूल्स हैं, तो जैसी जरूरत है वैसा ही टूल यूज करेगा। तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपको अपने अंदर का वो जुनून, वो पैशन, वो जज्बा, वो करिश्मा, वो दिखाना पड़ेगा। अब वो हाइड करने का टाइम नहीं है। रिवील द पैशन फायर। ओके हमें व्यूअर्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये फुल मून आपको इमोशनल भी बहुत करेगा अंदर से, इसीलिए दोबारा यही बात है, सबसे पहले जो कर रहे हैं वो एक प्रॉपर थिंकिंग के बाद ही कीजिएगा, एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही कीजिएगा। और दूसरी चीज ये कि अपने आप को रिचार्ज भी कीजिए, इमोशनल होने की वजह से या किसी और वजह से भी। एनर्जेटिकली अगर आप थोड़ा सा लो फील करने लगते हैं, या आपको लगता है कि आप टायर्ड हैं, ऐसा लगने लग सकता है आपको, तो अगर ऐसा सब कुछ लग रहा है तो थोड़ा आप रिट्रीट कीजिए और अपने आप को रिचार्ज कीजिए। अगेन, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लाइफ में, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप टायर्ड भी हो जाएंगे, एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे। उस वक्त पर ये भी मौका है कि आप आगे लगे रहें, और एक ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा उस सिचुएशन से ब्रेक लें, रेस्ट करें, अपने आप को रिजुविनेट करें, रिचार्ज करें, और उसके बाद और अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि टायर्ड और एग्जॉस्टेड पर्सन जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप स्लो होती जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि ब्रेक लेके अपने आप को रिचार्ज करके, रिजुविनेट करके और अच्छा परफॉर्म करें। तो बस यहाँ पर यही बात है व्यूअर्स, कि आप अगर थोड़ा टायर्ड, थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करते हैं,
तो ये नहीं है कि आप ये सोचे कि मैं ब्रेक नहीं ले सकता, मुझे अभी पूरा करना है, ये करना है, मैं अभी हट नहीं सकती. नहीं, अपने आप को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी की वजह से आप आगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे. ओरेकल, वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. व्यूअर्स, इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में आपको कोई बहुत जरूरी संदेश कहीं से मिल सकता है. ये कोई न्यूज हो सकती है, कुछ बदलाव हो सकता है, जो एंजल्स आपको एक सपने के थ्रू या एंजल नंबर्स के थ्रू या किसी और एक्सपीरियंस और इंसिडेंट के थ्रू आपको बताएंगे. तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, और बहुत रेलेवेंट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है. बी पेशेंट, इंतज़ार कीजिए. हो सकता है कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने वाला हो, कन्फ्यूजन्स के लिए क्लैरिटी मिलने वाली हो, क्वेश्चन के लिए आंसर्स मिलने वाले हों. तो पेशेंस रखिए, आप तक वो जवाब पहुंच जाएंगे जो आपके लिए बने हैं. ओके, तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग. आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है. इस रीडिंग ने आई होप थोड़ा बहुत आपको गाइड किया है. अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही है ये रीडिंग और आपको थोड़ा भी हेल्प करती है, गाइड करती है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और कमेंट करके बताएं ये रीडिंग कैसी लगी है. चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर.